गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में दूसरी ऑल पाकिस्तान तलबा सोसाइटी समिट की तकरीबात के तहत पीस टू लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन ने रजाकारों के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब का अहतमाम किया, जिसमें तलबा से मुख्तलिफ शोबाई ज़िंदगी से नुमाया शख्सियात ने तलबा में रजाकाराना कामों की अहमियत को उजागर करने की अहमियत को उजागर किया। डॉक्टर इफ़त बतूल, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी डायरेक्टर, ने गवर्नमेंट कॉलेज के तलबा के रजाकाराना कामों और इसमें सोसाइटीज़ के किरदार पर रोशनी डाली। तकरीब से निज़ार मीडिया नेटवर्क के सीईओ जाहिद अब्बास नकवी, इकबाल खान डेप्टी डायरेक्टर टेक्ला म्यूजियम और वेलफेयर ट्रस्ट के रूहे रवा ने तलबा को रजाकाराना सरगर्मियों के इस्लामी पहलुओं और इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहमियत पर तफसीली खिताब किया। अली अब्बास राइटर मोटिवेशनल स्पीकर शर्जील जफर ने तलबा में दौरान तालीम एक दूसरे की ज़रूरियात की तकमील के लिए उनकी किरदार साजी पर रोशनी डाली। तकरीब के मुंतजिम और चेयरमैन पीस टू लाइफ वकास अहमद ने अपने सोशल वर्क और पीस टू लाइफ के जारी प्रोजेक्ट्स की तफसील बताते हुए तलबा को बताया कि उन्होंने इस रजाकार तंजीम की बुनियाद इसी अदारे के तलबा से 50 रुपये से रखी थी और इस साल 9 मिलियन का ऑडिट हुआ। तकरीब से डॉक्टर इकबाल शाहिद, डीन ऑफ लैंग्वेजेस, ने वकास अहमद को कामयाब तकरीब पर मुबारकबाद दी और आने वाले मुअज्जिज़ मेहमान का शुक्रिया अदा किया और पीस टू लाइफ की तरफ से मेहमान गिरामी और मुकररीन को शील्ड्स भी पेश की गई। पीस टू लाइफ के रजाकाराना तालबात में तारीफी असनाद तकसीम की गई।